कर रहे हैं सारा, तो पहले बताइए कि जो ये बात है तुमसे ना हो पाएगा, ये आपके साथ हुआ है कभी? बहुत बार हुआ है. इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन मुंबई, पहले बॉम्बे हुआ करता था, तो बहुत लोगों को था कि हमसे ना हो पाएगा. सबको लगा था कि भाई तुम यू आर अ देसी बॉय, तो तुम क्या करो, यू नो यू कांट, इट्स अ बिग वर्ल्ड. बट आज आप देख ही रहे हैं कि अपनी इंडस्ट्री हमने बना दी. तो इंडस्ट्री के नाम एक बार ताली होनी चाहिए. तो ये तो है, बहुत अच्छा लग रहा है. Very nice meeting all of them and good concert. जी, so इस जुड़ाव से दूर हमारा जो web series है जो जल्द ही आएगा, उससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं. But before that, अब हम लोग के हिंदुस्तान में हम लोग के पास सिनेमा और क्रिकेट, ये दो ही चीज़ हैं जिसको लेके हम लोग जीते हैं. So yes, and I mean we have a team also. हमारी भोजपुरी दबंग CCL में हम लोग खेलते भी हैं, जहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड बॉलर भी हूँ. So yes, so क्रिकेट अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आए, आंखों के भी आए, आवाज के भी आए, ये रंग जो कलर है मेरा वो भी आया है, एक्टिंग का भी आया है, नाचने का, डांसर हूँ तो डांस, ऐसे बहुत सारे अनगिनत कॉम्प्लीमेंट्स आज तक मिले हैं. सबको अपना कुछ ना कुछ किसी को कुछ दिखता होगा, ये इसका ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा चलता है, थोड़ा आई डोंट नो, ऑल मैडनेस. जरूर करो, कम जी, बिल्कुल सच. जिस लॉन्डी के दास टाइम वाला लॉन्डा मैं ही हूँ, और इस मंजीत में और दुख में कोई फर्क नहीं आ रहा. ये भी जो बात कहना चाहते हैं 80% उसके अंदर जाती है. मैं जो बात प्रिपरेशन करके आया था सबका, सब कुछ अंदर रह गया. सो Hi, I'm Ekta Sharma. I'm playing his mom, and I'm the only one who keeps telling him ki, you know, iske andar koi door hai, as all mothers do. So I'm a big fan of Honey Yo-Yo in this web series, and I just love my Munda. Like any other mom. Yeah. Yes. And सारी moms को अपने बेटे बहुत प्यारे लगते हैं. Of course, उनको पता होता है कि कुछ quality है हमारे बच्चे में. कुछ तो है. Yes, कुछ तो है. And mothers हमेशा confidence बढ़ाती रहती हैं, ना? Okay, that's it. Hi, good evening. मैं इस loser की बहन play कर रही हूँ. My name is Meher. Though I keep pulling his leg, but somewhere in my head, I love my brother. और मुझे पता है कुछ ना कुछ एक दूसरे से. हाय, माय नेम इज कृति पाल. आई प्ले रीजी लव इंटरेस्ट व्हिच इज जानवी. शी प्लेज द कैटलिस्ट इन मेकिंग मंजीत फ्रॉम द यूजर टू द गुरु. तो लड़के ने कुछ नहीं किया. कैटलिस्ट. हाय एवरीवन, माय नेम इज अश्विन. I am getting darkness to in the series, and I'll try and make this very difficult for whatever he's going to do. I'm the last minute casting in this show. I've just auditioned and I've just got selected. I've come here. So yeah, that's how it is. And all the best to everyone and the team. Thank you. Thank you. आप कुछ कह रहे थे, मैं कह रहे थे आप. यही लड़का है जो मेरी girlfriend को ले जाता है. कुछ नहीं बचा है. अभी पता चल रहा है. अच्छा. मुझे बहुत अच्छा लगा जब टीम आई एंड दे सेड कि यू हैव टू गिव योर वॉइस, तो मैं सूत्रधार बनना है, तो उन लोगों ने मुझे प्रोमोस का दिखाया. मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा. बेस्ट पार्ट है कि बिग एफएम हैज प्लान ऑडियो एंड विजुअल बोथ. तो हमारी फिल्म मुक्काबाज आई थी, तो उनको शायद हमारी उसमें साउंड लॉक अनुराग कश्यप ने काफ़ी हमारी आवाज़ का इस्तेमाल किया था, तो वो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ रेडिकेशन टाइप का चौंक हो उसमें, ऐसी आवाज़ हो और सूत्रधार भी हो और वो जानता भी हो लूज़र को, क्योंकि ये कहानी मुझसे भी जुड़ती है. ये कहानी हिंदुस्तान के न जाने अनगिनत से यूथ के साथ जुड़ती है, जहाँ पे परिवार माता पिता हमेशा लूज़र के, ज़्यादातर लूज़र से ही शुरू करते हैं कि डोंट बी ए लूज़र, डोंट बी ए लूज़र, दैट्स अ पेट वर्ड, यू नो, यू वांट बी ए लूज़र, यू नो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में लूज़र शब्द इतना कॉमन है, और ये प्रोवोक भी करता है और आपको बनने के लिए मजबूर भी करता है. सो मुझे ये थॉट बहुत अच्छा लगा.
वेयर सबको देखना है, बिल्कुल सबको विनर बनना है, लूजर का, और खासकर हम हिंदुस्तानी लोगों को, हम लोग बहुत फाइटर टाइप के लोग हैं, यू नो, हम लोग कुछ बनना चाहते हैं, वे अपनी आइडेंटिटी के लिए हम लोग लड़ते हैं, वी फाइट फॉर आइडेंटिटी। तो ये थॉट बहुत है, नॉट जस्ट कि एक वेब सीरीज है और बिग एफ एम ने बनाया है और डक से दूर तक आप देखिए या मैं रेविगेशन क्यों आया हूँ। रीज़न था कि मैं इस कहानी का हिस्सा हूँ, मैं इसके साथ रिलेट करता हूँ मेरी लाइफ स्टोरी को। मेरी लाइफ स्टोरी भी कैसी थी, मैं ज़ीरो से अपनी कहानी, और सेल्फ मेड मैन, यू नो, नो बडी सपोर्टेड मी, सो मैं बहुत जुड़ा, मुझे बहुत अच्छा ट्रिप लगा ये। एंड आई रियली कॉन्ग्रेट्स की डायरेक्टर कहाँ पे हैं, डायरेक्टर ही इज़ राइट, आई वांट हाई मुझे जब स्टोरी ब्रीफ की गई, हाँ स्टार्ट होने का, ओके, मेरा नाम राजीव है, राजीव राज, और जैसे ही मुझे स्टोरी ब्रीफ की गई, क्रिएटिव्स ने मुझे स्टोरी ब्रीफ की, तो जैसे कि हर किसी का एक ड्रीम होता है बचपन में क्रिकेट खेलना, क्योंकि हम उस देश से जहाँ पे क्रिकेट पूजा जाता है, तो सबको लगता है कि यार मैं बड़ा हो गया क्रिकेटर बनूंगा। तो कुछ ड्रीम वैसे मेरे भी थे कि यार मुझे भी क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर बनना है, बट उतना टैलेंटेड मैं नहीं था कि क्रिकेट टीम खेल सकूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वेब सीरीज बनाते हैं, तो ये ऑपरचुनिटी मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा और कैच कर लिया, बॉल को कैच कर लिया, और बस आज आपके सामने खड़े हैं, है ना, ये हमारी टीम जी। मुझे जैसा सर आपने कहा, बिल्कुल मैं उस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ जो वाकई चलती है वो होता है कनेक्ट, किसी भी कहानी से, किसी भी जर्नी से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छी लगती है। तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कनेक्ट करने के लिए, सबसे पहले क्रिकेट है, किसी से भी बात करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, शुरू हो जाओ, राइट, देन एक कहानी है, शुरू, यस, पहले फोटो, यस, शुभम शुभम मोबाइल सर, लुक हियर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। डक एंड डूड के बारे में कहूँगा कि पहला सीरीज है जो हिंदुस्तान में जो ऑडियो भी है एंड विजुअल भी है, सो और वेरी नाइस, ये ऐसी कहानी जिससे सारे यूथ, युवा फैमिलीज, दे विल कनेक्ट, बिकॉज लूज़र की कहानी है, एक लूज़र की ज़िंदगी में क्या होता है, कैसे वो प्यार पाने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बढ़ने के लिए गेम्स बदलता रहता है, पोजिशनिंग बदलता रहता है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत, और बहुत ही रोज़मर्रा के भाषा को इस्तेमाल किया गया, डायलॉग्स टू एवरीथिंग, जो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा जब हम इसके लिए ऑडियो दे रहे थे, इसका सूत्रधार मैं हूँ इस सीरीज़ का, तो बड़ा मज़ा आया मुझे करते हुए, ऐसा लगा कि कहीं मेरी कहानी या मेरी सुनी हुई कहानी है या मेरे कुछ जानने वालों की कहानी है या ऐसे टाइप के लड़कों को हम जानते हैं उनकी कहानी है, तो वेरी इंटरेस्टिंग, और लोगों को भी मज़ा आएगा, हमने कुछ आवाज़ का खेल, शब्दों का खेल इसमें रखा है, टू छोंक जिसको कहते हैं, एक दाल में अच्छी छोंक मारी, वो अच्छा है, यू लव इट। आने वाला भविष्य वेब सीरीज़ का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब नेटफ्लिक्स टू लेके अब आओ द US एंड ऑल दिस यूरोपियन बेल्ट्स एंड एवरीथिंग जहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है एक दो साल में वेब सीरीज़ एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करेगा और यहाँ पे रहेगा, गोना स्टे फॉर लॉन्ग, वेरी बिग इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही, बहुत सारे एक्टरों को काम मिलेगा, बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा, सो टेलीविज़न है, फिल्म है, सिनेमा है, रीजनल फिल्में हैं, अब वेब वर्ल्ड आ गया, सो अमेजिंग, गुड थिंग फॉर इंडिया,
मैंने चूँकि सूत्रधार किया, मैंने इनका काम टेलीविजन पे देखा जो प्रोमोज में बहुत अच्छे हैं, सारे लोग बहुत ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइमर नहीं है। डायरेक्टर जॉब इज़ वेरी गुड, डीओपी इनका बहुत अच्छा है, एडिटिंग बहुत अच्छा है, लिखाई बहुत अच्छी है। राइटर का नाम राइटर अभिषेक जी, उन्होंने लिखा है, बहुत कड़क कॉम्पैक्ट रखा है इन्होंने, वेरी स्लीक यू मेड यू नो। सो मुझे तो बहुत पसंद आया, और उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को और यू नो दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं प्रभु आप? नहीं माया रच ली आपने? हाँ मतलब पता नहीं माया इसलिए रची क्योंकि जब इन्होंने 90 बिग FM के लोग जब टीम आए तो उन्होंने हमको जब प्रोमो दिखाया एंड दिस इज वी वांट योर वॉइस, हमने मुक्काबाज देखी थी, इसी तरह आप कुछ चाहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा, पहले मैंने कहा दिखाइए क्या चाह रहे हैं, उन्होंने दिखाया और मुझे बड़ा जम गया और मैंने अपनी आवाज़ इसमें दे दी और बड़ा मज़ा आया। और यूथ के साथ, युवाओं के साथ आई फील सो एनर्जेटिक यू नो हम, और ये बहुत ज़्यादा तक बहुत लोगों तक रीच करेगा बिकॉज ऑडियो भी है, पहली बार हिंदुस्तान में आ रहा है और विजुअल भी है, ये हमको बड़ा कड़क लगा। हाँ मतलब हाँ, किसी ने मुझसे कहा कि अभी मैं 16.5 साल का हूँ, अभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, आप ही ने कहा था कि जवानी के दहलीज पे मैंने अभी अंगूठा रखा है। या ये आप लोग अपने बारे में प्लीज़ बोलते जाएं मीडिया को। जी पहली बात मैं आपको अपना नाम बताना भूल गया था। हाँ मेरा नाम इनामुल हक है और मैं अलीगढ़ से हूँ और अभी मुझे 4 ईयर्स हुए मुंबई के अंदर। टीवी शोज करता हूँ, एक एपिसोडिक शोज करता हूँ, बट ये वेब सीरीज़ मेरी पहली वेब सीरीज़ है और आप लोगों को देखने के बाद लग रहा है कि सच में इसमें दम है, अभी आज समझ में आया। और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्या बताऊँ आपको चरित्र बारे में, कैरेक्टर इनका चरित्र ही है, ये सिंगर म्यूजिशियन बनने आए थे और ये एक्टर बन गए, ये बिल्कुल सच बात है। मन्नू एक ऐसा बंदा है जो जीरो से हीरो बनता है, जिसे कुछ नहीं आता, उसको कोई भी मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई भी नहीं करता, मतलब मॉम डैड गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, बन ही नहीं पा रही वो, तो मतलब अगर मैं आपको अभी सब कुछ बता दूंगा तो ट्विस्ट कैसा आएगा, तो आप देखिए प्लीज़ उसको। थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्ते, मेरा नाम महक है और मैं दिल्ली से हूँ। मुझे 1 साल हुआ है बॉम्बे आए हुए और उससे पहले मैंने इधर उधर थिएटर किया है। उसके अलावा एज अ कैरेक्टर, जो मेरा यहाँ पे कैरेक्टर है वो मैं अपने मैं बहन का रोल प्ले कर रही हूँ, जो इसको डीमोटिवेट भी करती है, उसको मोटिवेट भी करती है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा मेरा एक बहुत ही जैसे मैं हूँ अभी ऐसा ही रोल है, फनी सा बबली सा, और बस दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। गुड इवनिंग, आई एम एकता। मैंने इसके पहले सीरियल्स किए हैं लेकिन वेब सीरीज़ मेरा पहला है ये, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन लविंग मदर्स कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर, तो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज हनी योयो सिंह की फ़ैन है एंड शी इज़ अ कूल मदर एंड इसको कॉन्फिडेंस देती रहती है यू नो, सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू एंजॉय द। सबका क्रमांक एक के बाद। मेरा नाम पृथ्वी है, मैं मणिपाल से हूँ, ये मेरा पहला वेब सीरीज है एंड आई प्ले द रोल ऑफ जानवी एंड जो शी कम्स अक्रॉस एज अ डीवा, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड बट अंदर से बहुत ही एक सिंपल स्वीट होमली गर्ल है, विच इज़ वेरी रिलेटेबल एंड ऐसा बोलते हैं ना, दिल टूटने के बाद इंसान बहुत कुछ करता है, सो शी प्लेज दैट कैटलिस्ट इन मंजीत लाइफ जिसके बाद वो बहुत कुछ करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू थैंक रवि सर कम हियर एंड माय नेम इज अश्विन, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद यूथ शोज विच कम ऑन MTV एंड चैनल वी, सो आई हैव बीन डूइंग टेलीविजन ओनली, सो दिस इज माय फर्स्ट वेब सीरीज विद एक्चुअली विद बिग मैजिक, आई हैव डन अ शो बिफोर, सो दिस इज माय सेकंड कोलैबोरेशन विद देम, सो आई नो वेरी लेस अबाउट द शो बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर आई हैव जस्ट बीन ऑडिशन इन लास्ट, सो या, सो आई होप वी डू वेल एंड फॉर एवरीवन। हाँ मेरा नाम हर्ष है और मैं BIG FM और मेरी हिस्ट्री काफ़ी लंबी है, रानी बताएगी, मैं BIG FM में बतौर रेडियो जॉक रह चुका हूँ, मैं रेडियो जॉक था कुछ, हाँ रानी मैंने शोज इकट्ठे किए हूँ, तो 12 साल रेडियो जॉक था, पिछले 4 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ
इस फिल्म में मैं अपने बिल्कुल एग्जैक्टली अपने फादर का रोल कर रहा हूँ, जो कि मुझे कहते थे लूजर तू रेडियो में जा रहा है क्या करेगा जिंदगी के साथ। तो उनकी गालियाँ सुन सुन के पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आगे पास ऑन करूँगा अपने बेटे को इस कैरेक्टर। ये भूल जाते हैं। मैं इस सीरीज पे डायरेक्टर हूँ। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और हमारे पास टैलेंट भर भर के हैं एंड वेरी थैंक्स टू रवि भाई ऑल्सो कि इनकी आवाज़ है। तो आई होप हम लोगों को एंटरटेन करें, आप लोग हमें सराहें और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि हम वो डिलीवर कर पाएँ जो हम सोच रहे हैं। कुछ डेट्स का इश्यूज हैं उसमें, हम और विवेक ओब्रॉय हैं एंड इट्स अ बिग ह्यूज ह्यूज थिंग, बट या वेरी सून वी गोना टेक ऑफ और वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मेरा रूप लक फिल्म में था या आन फिल्म में था या मैंने ये उसी से है, लेकिन एक महाराष्ट्रन एक परिवार की कहानी है जो बहुत ही दबंग परिवार है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा बिकॉज एक वहाँ एम्बिशियस प्रोजेक्ट की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू टेक एक डेढ़ महीना शायद टेक ऑफ थे। बढ़िया, आई विल स्टार्ट शूटिंग फॉर वेब फर्स्ट टाइम वो आल्ड बालाजी के लिए। सभी में आप बहुत ही अच्छा अप्रिशिएट किया है लोगों ने और इस कहा जा रहा है कि आप अमिताभ जी से बहुत इंस्पायर्ड हैं, तो उसके बारे में अगर कह सके अमिताभ जी। अमिताभ बच्चन जी मतलब वो सदी के महानायक हैं, वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। उनकी रणनीति लड़ने की क्षमता से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि वो मौत से भी लड़ के आ जाते हैं, जीवन जी रहे हैं, हार के भी फिर वापस विनर बन गए। उनकी कहानियाँ मतलब इतनी अद्भुत है और मैंने काम भी किया उनके साथ एक फिल्म में, गंगा फिल्म में। सो उनसे मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री प्रभावित है, पूरा देश और वे हम सारे कलाकार और हर भाषा में मैं जहाँ काम करता हूँ देव पहली बात हो कि अमित जी से आप मिले हो, अमित जी के साथ आपने काम किया, गया कैसे चलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेट पर 7 बजे की शिफ्ट में क्वार्टर टू 7 कैसे पहुँच जाते हैं, गर्मी में भी 45 डिग्री में भी दाढ़ी मूछ लगा के बैठे रहते हैं और घंटों घंटों बैठे रहते हैं। मतलब इतना पेशेंस और इतनी ईमानदारी, इतनी शिद्दत सिनेमा के लिए और इस एज में भी इतना एक्सपेरिमेंट करना, मुझे नहीं लगता विश्व का कोई सुपरस्टार इस वक्त या वेदर इस हॉलीवुड एनी वेयर इन द वर्ल्ड जो 76 में भी रॉकिंग एंड गिविंग हिट्स एंड टेकिंग बेस्ट एक्टर अवार्ड, आई थिंक ही इज द फर्स्ट लेजेंड वी हैव एंड उनका मैं बोलते ना ब्लाइंड फैन हूँ, ब्लाइंड भक्त हूँ। The way he functioned his life, yeah. Yeah, अभी 500 फिल्म हम अभी तक कर चुके हैं और शरीर में इतने सारे किरदार हैं उनको बाहर आना है। बहुत सारे लोग वो रोज मचलते रहते हैं कि मुझे बाहर आना, चिल्लाते रहते हैं। तो जैसी कोई स्क्रिप्ट होती तो वो एक को निकालता हूँ, फिर रिलीज़ होता हूँ, तब तक आप लोगों में से इतने लोगों को पढ़ लेता हूँ, फिर नए किरदार अंदर बॉडी में चले जाते हैं। तो कई हज़ार लोग अभी मेरे शरीर में बस रहे हैं, उन सबको एक एक बर्ड जैसे उड़ाते हैं, उनको निकालना है मुझे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। सो आई नीड टू वर्क वर्क एंड वर्क एंड इंटरटेन माई कंट्री एंड रात को अच्छे से सोऊं। या कई बार कई लोग ऐसे मतलब जैसे हमने सुना है कि जिन लोग की आपके अपार श्रद्धा है, आप कहते हैं आपके में भोलेनाथ का वास है और आप उसका प्रतीक है। हाँ मतलब शिव ही मेरे सब कुछ हैं, मैं शिवा डिवोटी हूँ और बिकॉज नोबडी सपोर्टेड मी सो आई टू ऑलवेज लुक अप टू हिम एंड सडनली वो आते हैं और आई डोंट नो, मेरा एक मैडनेस रिलेशन है उनके साथ, बहुत अद्भुत सा रिलेशन है। अगर मैं कहूँ कि मुझे विजुअल में दिखाई भी देते तो लोग कहेंगे थोड़ा सटक गए बाबा। सो या आई हैव अमेजिंग लव विथ हिम, शिवा लव एंड दैट्स सो ब्यूटिफुल एंड हर हर महादेव इज लाइक मुझे आई डोंट नो ही इज देयर, ही जस्ट ही टेक केयर ऑफ मी एंड आई ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विथ हिम विथ शिवा। अघोरी करना चाहूँगा मैं, एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ अघोरी बनना चाहूँगा और बहुत
विपरीत घोरी होगा, क्योंकि मैंने बनारस में बहुत सारे अवघड़ लोगों को देखा है और मिला हूँ रात के वक्त भी उनसे, तो कुछ अघोरियों को मैं जीना चाहता हूँ, तो एक अघोरी का किरदार मैं करूँगा, बहुत विपरीत अघोरी होगा वो। जी 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 उनके और भी कई चीजें बना रही वेब सीरीज, कोई सीरियल बना रही हैं, कुछ प्राचीन सभ्यता पे भी कोई सीरियल सुना खबर आई है, उसमें कहीं काम करना चाहिए? अभी हम फिलहाल उनके साथ यही कर रहे हैं और मैंने ज्यादा अभी कुछ कमिटमेंट और नहीं किया, ये एक वेब पे कॉन्सेंट्रेट करके आई वॉन्ट टू डू द बेस्ट इन दैट। और तेलुगु एक फिल्म कर रहे हैं जो काफ़ी बड़ी फिल्म है, उसमें अमित जी भी हैं, चिरंजीवी सर हैं, वो 300-400 करोड़ का बजट है, दैट्स साइरा नरसिम्हा रेड्डी, तो ऐसे कुछ विपरीत विपरीत प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो सब इंतजार कर रहे हैं आपका। लेट्स गो थैंक यू सो मच। अच्छे विजुअल्स दे दीजिए, थोड़े हंसते मुस्कुराते, ये लोग हंस रहे हैं, आइए कम ये बिग एफ एम के अंदर ही हमारी एक कॉन्टेंट डिवीजन है जिसका नाम है थ्विंग। तो हम लोग इस क्रिकेट सीजन में कुछ ऐसा लेके आना चाह रहे थे जो कि हार्डकोर क्रिकेट ना हो, यू नो, ऐसा कुछ बनाए जिससे हर कोई रिलेट कर पाए और कुछ ऐसा हो जो कि आप अच्छे से कंज्यूम कर पाएँ, जिसके साथ आप रिलेट करें, जो कि एक ऐसी सीरीज़ हो जो कि यू नो कोई भी तबके का आदमी हो जो सोचे कि हाँ मेरी कहानी है, जैसा कि रवि सर ने बिल्कुल सही बोला। और जो दूसरी बात थी कि बहुत अच्छे कनेक्ट के लिए जो हम चाह रहे थे कि यू नो एक कोई ऐसा कनेक्ट आए, कोई ऐसा सूत्रधार हो जो कि इस पूरी कहानी को अच्छे से पिरो पाए, तो मैं खुद अगर रवि जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी आवाज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अगर आप मुझे भी कॉल करेंगे तो मेरी रिंगटोन में इनका मुख्य पास का नरेशन भी है, तो इसीलिए यू नो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सर का कि इनका टाइम मिला, इनकी आवाज़ मिली यू नो नरेटिव को, जो कि हम रेडियो पे भी और आप वेब सीरीज में भी आप सुन पाएंगे। तो बस इतना ही, क्योंकि आप लोग काफ़ी जान चुके हैं, मैं थ्विंग टीम को पूरा बुलाना चाहूँगा जो सब लोग ने मिलके इस नो कॉन्सेप्ट को एक रूप दिया है। नरेशन की झलक जो है आपको रेडियो पे ही शायद सुनने को मिल जाए कल से, और जैसे सबकी जिंदगी में 7:30 ही होती है, इसकी मंजीत की जिंदगी में 21वीं चल रही है, और पहली लाइन के थी मुक्काबाज, हाँ अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चियार के टैग बोल जाओगे, सबसे ज्यादा जरूरी है सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, और किसका बीवी बच्चा तुम्हारा फैन है, और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो है ही है, इसको कहते हैं पैतरा। काटना मुझे तुम लोग को, बड़ा
सकती होंगी? बीच में आ जाओ। अरे इसको देखो ना, ये आ रहा है पीछे से ना। सर एक स्ट्रोक लेते हुए थोड़ा ना ढक्का Thank you. Thank you, sir. Thank you.